गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय चैनल नेम इज टैलेंट अकेडमी पॉइंट। मेरा नाम अभय खरे है। मैं क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 एंड ऑल ईयर बीएससी ऑल ईयर की टॉपिक्स लेके आया हूँ। इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक लेके आया हूँ आर्टिकल्स। तो आज अपन सब आर्टिकल्स के बारे में समझेंगे, आर्टिकल्स की यूज समझेंगे, आर्टिकल्स का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है उनके बारे में अपन समझेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स अपन को पता है ना, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। आर्टिकल्स 3 होते हैं, फर्स्ट ए, सेकेंड एंड थर्ड द। ए एंड द इज कॉल्ड आर्टिकल्स, राइट फ्रेंड्स। तो जैसे कि अपन जानते हैं समानता, ए एंड द का उपयोग नाउन के पहले किया जाता है। नाउन जैसे कि नाउन में हो गए कुछ भी अपन वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे कि ओल्ड मैन, किंग, ऐसे बहुत से नेम इसी, उन सब के पहले ए एंड द का उपयोग किया जाता है, इज कॉल्ड आर्टिकल्स। जैसे कि अपन सब जानते हैं अपन आर्टिकल्स को डिवाइड करते हैं, देखते हैं आर्टिकल्स को अपन डिवाइड करते हैं। आर्टिकल्स 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हो गया इनडेफिनाइट, और दूसरा हो गया डेफिनाइट। ऐसे कि इनडेफिनाइट में आ गया ए और एन, और डेफिनेट में आ गया टी एच ई द। ओके, जैसे कि अपन सब जानते हैं कि आर्टिकल्स 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक इनडेफिनाइट और दूसरा डेफिनाइट। इनडेफिनाइट में आएगा ए एन और डेफिनेट में आएगा द। ओके, अब सुनिए इनडेफिनाइट फर्स्ट टर्म क्या है। इनडेफिनाइट अपन इसे लेते हैं, तो इनडेफिनाइट में ए और एन का प्रयोग किसी नाउन के पहले पोजिशन में किया जाता है, ये थे कि इनडेफिनाइट कहलाता है, राइट। अब जैसे कि हम सब जानते हैं इनडेफिनाइट की एग्जांपल, तो हम समझा दें आपको, जैसे कि इसमें ले लेते हैं देयर वाज अ किंग, ऐसे हम ले लेते हैं देयर वाज अ किंग। इसका हिंदी में क्या निकलेगा, एक राजा था। अब एक राजा था तो कहाँ का राजा था क्लियर नहीं हो रहा है, कब मतलब कि कौन से शहर का था इससे क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये क्या किसमें चला गया इनडेफिनेट, मतलब कि अनिश्चित, किसमें चला गया अनिश्चित। इसकी हिंदी समझिए, इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित और डेफिनेट मतलब निश्चित। जैसे कि एग्जांपल ए एन में वो इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित में चला गया, हो गया एग्जांपल। ओके, जैसे कि अपन सब जानते हैं डॉग, ऐसे बहुत से मैन ऐसे एग्जांपल हैं, ओल्ड मैन, किंग, डॉग के पहले क्रमशः ए एन का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे कि मान लो ऐसे आ डॉग एन एप्पल, ये थे डॉग हुए एग्जांपल, एप्पल हो गए, तो डॉग के पहले किसका उपयोग किया ए का, एप्पल के पहले किसका उपयोग किया एन का, तो किसमें आ गए जी एन आर्टिकल्स, ए एन के पहले उपयोग किए जाते हैं ना, एन को पहले उपयोग किया जाता है, किसके डॉग ले लिया, एप्पल ले लिया, बहुत से नेम है इट इज सी। तो सेकेंड देखिए पर लू डेफिनाइट, सेकेंड क्या है
डे फिर नाइट। इसमें समझिए फ्रेंड्स, इसमें डा का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या प्रयोग जाता है? इसमें डा का प्रयोग किया जाता है। कैसे? डा का प्रयोग किसी भी नाउन के पहले किंसा, डा का प्रयोग किसी नाउन के पहले किंसा पोजिशन डेफिनेट में किया जाता है। जैसे कि अपन इसमें एग्जांपल ले लिया, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, दिस इज द पेन विच आई हैव बाउट। इसका हिंदी में से क्लियर हो जाएगा कि ये अनिश्चित है या निश्चित है, या इनडेफिनिट है या डेफिनिट है। तो दिस इज द पेन विच आई हैव ब्राउट। तो इससे ये क्लियर होता है कि यह एक पेन है जो मैंने खरीदा था, जो मैंने खरीदा है, सॉरी। तो यह एक पेन है जो मैंने खरीदा है। इससे ये क्लियर होता है कि जो अपन लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स में निश्चित अनिश्चित का एक नियम होता है ना। तो अनिश्चित में आ गया ए एन और निश्चित में आ गया द। अनिश्चित मतलब इंडेफिनाइट और अनिश्चित मतलब इंडेफिनाइट और निश्चित मतलब डेफिनाइट। इससे अब क्लियर हो गया। और अनिश्चित का एग्जांपल हो गया देयर वाज अ किंग, ये एक राजा था, मतलब कि यह राजा था। तो राजा कहाँ का था ये क्लियर नहीं हो रहा है। राजा था लेकिन राजा कहाँ का था ये क्लियर नहीं हो रहा, तो ये अनिश्चित में चला गया। दिस इज द पेन विच आई हैव बाउट। तो ये पेन है जो मैंने खरीदा है। तो इसे क्लियर हो गया कि जो ये पेन है जो मैंने खरीदा है ये निश्चित में चला गया, ये डेफिनाइट में चला गया। आर्टिकल्स को अपन लोग डिवाइड में डिवाइड तो कर दिया है ना, टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसको वीक में डिवाइड करते हैं, एक वीक फॉर्म एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म इसमें डिवाइड करते हैं। आर्टिकल्स वीक फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स। जैसे कि आपको पता है आर्टिकल्स तीन होते हैं, कौन से? ए एन और द। क्लियर है? ए एन द आर्टिकल्स कितने होते हैं? तीन होते हैं। अब देखिए आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स को हिंदी उच्चारण करेंगे जब, तो बी फॉर्म आएगा आ, छोटा आ अनार का। क्या आएगा आर्टिकल्स ए में? बी फॉर्म आएगा छोटा आ। और आर्टिकल्स ए में स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या आएगा? ए, जो ए एडी का होता है, राइट। तो जी हो गए आर्टिकल्स ए के हिंदी उच्चारण। ए एन मिलेंगे अब, तो ए एन में बी फॉर्म हो जाएगा छोटा अनार का और ना नलका, यानी कि अन, ठीक है। ए एन में बी फॉर्म हो गया हिंदी उच्चारण। और वही ए एन में स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो जाएगा ए एडी का और ना नलका, एन। ये हो गया स्ट्रॉन्ग फॉर्म उच्चारण किसका? ए एन, एन का, ए एन आर्टिकल्स का स्ट्रॉन्ग फॉर्म हिंदी उच्चारण, ओके। अब अपन लोग लेंगे दा का उपयोग करेंगे। दा में देखेंगे आर्टिकल्स में कि वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म आखिर है तो है क्या। तो आर्टिकल्स में वीक फॉर्म में हिंदी मिलेंगे, दा भी हो सकते ले सकते हैं और छुट्टी दी ले सकते हैं। क्या?
द भी ले सकते हैं और छोटी दी ले सकते हैं। ये हो गया बी फॉर्म द का हो गया आर्टिकल्स में। और वही फॉर्म स्ट्रॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स द में देखेंगे तो इसमें ले लेंगे बड़ी दी, बड़ी दी। जैसे कि एक हमें कोई कमेंट आया है कि द कोई कहीं कहीं पर द पड़ता है और कहीं पर दी पड़ता है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो आपको बताते हैं कि जो द है वो कॉन्स्टेंट होते हैं, होती है ना कॉन्स्टेंट, वहाँ पर द का उपयोग लगा करते हैं, हैं। और जो वोवेल्स होते हैं वहाँ पर दी का उपयोग करते हैं। ओके, ये ध्यान रखना, जहाँ पर कॉन्स्टेंट होते हैं 26 लेटर होते हैं ना एबीसीडी के, 21 लेटर्स में जो आते हैं वो कॉन्स्टेंट आते हैं, वहाँ पर द का उपयोग करते हैं, द बोलते हैं हिंदी उच्चारण का। और जो फाइव वोवेल्स होते हैं ई आई ओ यू, वहाँ पर दी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो जैसे कि आप हमने जो समझाए हैं, इनमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो या फिर आपको ओएससी और डिटेल में पूछ समझना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसी की नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी। और अगर आपकी ओर से कमेंट्स नहीं आती है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी आर्टिकल्स यूजेस। ओके, अगर आपको आर्टिकल्स यूजेस समझनी है तो बोलना यस, अगर कुछ और समझना है तो आप उसको कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।